गर्मियाँ कितनी अच्छी होती हैं। गुड मॉर्निंग सिंड्रेला। कैसे हो दोस्तों? नाश्ता तैयार हो ही गया है। यकीन नहीं होता ये मैंने किया। ओह मेरे राजकुमार, उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी अच्छा हो। अरे नहीं, माफ करना। तो चार्ल्स तुम क्या सोचते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी सोच पसंद नहीं आएगी। यही ना कि तुम अभी शादी के लिए बहुत छोटे हो, और अगर ये राजकुमार वाली जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आ गई तो तुम जिंदगी के मजे नहीं ले पाओगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? चार्ल्स, तुम बहुत सारी लड़कियां देख चुके हो, कोई पसंद आई क्या? नहीं। जराल की बेटी इजाबेल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और आप बार बार इस बात को मत चालू किया करो। अब मैं जा रहा हूँ। चार्ल्स रुको। चार्ल्स, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है महाराज अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। पर हमारे परिवार का रिवाज है कि राजकुमार को अब तक लड़की चुन लेनी चाहिए थी। हमें उसकी मदद करनी होगी इसके पहले कि लोग बातें बनानी शुरू कर दें। ऐसा क्या हुआ है कैथरीन, तुम इतनी खुश क्यों हो? मुझे तो लग रहा है इसकी तबीयत खराब हो गई है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता अगर तुम्हें भी राजकुमार का न्योता सबसे पहले मिलता। ये देखो मुझे क्या मिला है। क्या कहा तुमने कैथरीन? ये तो सच है माँ, ये तो शनिवार का न्योता है। और राजकुमार चार्ल्स अपनी राजकुमारी का नाम बताएंगे। हमें इस जश्न के लिए नए कपड़े चाहिए माँ। सिंड्रेला, तुम्हें यकीन हो रहा है कि राजकुमार ने अपने जश्न में हम लोगों को बुलाया है? हाँ। मुझे कुछ तो करना ही होगा, उसे मेरी बेटी से शादी करनी ही होगी। मैं उसे किसी और को चुनने नहीं दूंगा। तो आप हमसे क्या पूछना चाहते थे? कुछ खास नहीं इजाबेल, मैं बस सोच रहा था कि तुम अपने पिताजी के साथ खाना खाती हो या नहीं, या फिर वो बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। आखिर परिवार भी जरूरी होता है ना? ये बड़ा अजीब सवाल है चार्ल्स। क्या है कि महल में काफी सारा कामकाज होता है और तुम्हारे पिताजी भी व्यस्त रहते होंगे। तुम बहुत सोचते हो चार्ल्स, तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि कई बार मैं अकेले खाना खाती हूँ और अकेले भी रहती हूँ। हाँ बिल्कुल वही। तुम परेशान मत हो, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने पिताजी के साथ होती हूँ तब रहती हूँ। वो जल्दी जाते हैं और देर से आते हैं, मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा वो तुमसे मिलते होंगे। मुझे पता था जराइल कुछ तो सोच रहा है, वो कभी देर से नहीं सोता। बेचारी इजाबेल, उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बस ऐसे। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा चार्ल्स, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। चलो डांस में मिलते हैं। हाँ डांस, किस बारे में बात कर रही हो? तुम सच में मजाक किया हो, वही डांस जिसमें तुमने शनिवार को सबको बुलाया है और जहाँ तुम अपनी मंगेतर का नाम बताने वाले हो। क्या बात कर रहे हो, अब इसको रोक नहीं सकते चार्ल्स, सभी लोगों को बुला लिया गया है। हमारे पास बस यही एक तरीका था तुम्हें जिम्मेदारी समझाने का, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते चार्ल्स, सभी लोगों को बुरा लगेगा। और ये जश्न सिर्फ तुम्हारे लिए रखा गया है, ये जश्न इसीलिए रखा है ताकि तुम अपनी मनपसंद लड़की को चुन सको। अगर तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई तो हम महाराज के फैसले का इंतजार करेंगे। पिताजी रुकिए,
आज की सुबह बहुत अच्छी थी पिताजी। आपको पता है राजकुमार चार्ल्स मुझसे मिलने आए थे और पिताजी वो भी बिल्कुल अकेले। मुझे पता था ऐसा ही होगा, पर तुमने बात क्या की? दरअसल हमने जो बातें की वो ज्यादातर आपके बारे में थी। ऐसा क्या? आप मुझसे दूर रहते हैं इसलिए वो हैरान था। मेरे ख्याल से वो इसलिए परेशान था कि मैं इतने बड़े महल में अकेले रहती हूँ। वो कितना अच्छा है ना पिताजी। हाँ, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, तो वो मेरी बेटी के जरिए मुझ पर जासूसी करने आया था। उसकी इस मुलाकात को मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा। माँ, तुम्हें जश्न के लिए मेरे ड्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं। और अब हमारे पास बहुत सारा समय भी है तुम्हें तैयार करने के लिए। मुझे पता है वो तुम्हें पसंद करेगा। क्या बात है, सब लोग बहुत खुश हैं। लगता है पूरा शहर जश्न की तैयारी कर रहा है। मेरी ड्रेस तुम्हारी ड्रेस से लाख गुनी अच्छी है। नहीं, तुम इसमें मोटी दिख रही हो। अपनी बकवास बंद करो, ये मुझे माँ ने लेके दी है और मैं इसे पहन रही हूँ, समझे तुम? ये तुम पर जच नहीं रही है। जच रही है, मैंने कहा ना नहीं। शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। मैं खास तुम दोनों के लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ जो तुम्हें पहननी होंगी। सच में? तुम दोनों भी उतनी ही खूबसूरत दिखोगी जितनी की मैं दिखा करती थी अपनी जवानी में। और वहाँ सिंड्रेला भी नहीं होगी हमें देखने के लिए। हाँ, उसे ऐसा लगा था कि इस बार वो भी हमारे साथ डांस में चलेगी। मुझे उसे ले जाने में एतराज तो नहीं, पर न्योता सिर्फ मेरे और तुम दोनों के लिए ही है। अगर तुम दोनों में से कोई उसे अपना न्योता देना चाहती है तो बात और है, वरना उसे घर पर ही रहना होगा। सिंड्रेला, ये सही नहीं है। ओ, मुझे देखने के बाद गुस्सा आ रहा है। मुझे भी, मैंने देखा था निमंत्रण पर सिंड्रेला का नाम था। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, सच कहूँ तो मेरे लिए वो जश्न कोई मायने नहीं रखता। निराश मत हो। और वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। रुको सिंड्रेला। मैं इन्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी दुखी हूँ। मुझे भी हर किसी की तरह जाने की इच्छा थी। हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना होगा। अगर किसी लड़की को राजकुमार के साथ होना चाहिए तो वो सिर्फ सिंड्रेला है। हमें उसे डांस में भेजना होगा। सही कहो। हम ये करके रहेंगे। मैं भी। ये वक्त है दोस्तों अपने सपनों को सच करने का। ये! माँ, जैन, कैथरीन, मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी को जश्न में मजा आए। उम्मीद कर रही हूँ कि आज रात हम जीत कर ही वहाँ से आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजकुमार इन दोनों में से किसी को चुनेगा। हाँ माँ। जब मैं लौटूंगी तो मैं एक राजकुमारी बनकर लौटूंगी। मजाक बंद करो, तुम हार जाओगी। तुम हारोगी। क्या काम है? आज तुम्हारी छुट्टी है, जब शाही जश्न हो तो कोई काम नहीं करेगा। ये खुशनसीब है, काश मुझे भी जश्न में जाने का मौका मिलता। मांगो और तुम्हें जरूर मिलेगा। ओह, तुम हो? मैंने तुम्हें नहीं देखा। ओह। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए महाराज। उम्मीद करती हूँ कि आज चार्ल्स को अपनी मनपसंद लड़की मिल जाए। महाराज, जराल क्या हुआ है? आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक जरूरी घोषणा करना चाहूंगा महाराज। कैसी घोषणा करना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो, कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि मैं राजकुमार और अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। चार्ल्स ने इजाबेल को चुन लिया? मुझे लग रहा है कि वो जश्न के लिए मना करके कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते थे। राजकुमार और मेरी बेटी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है महाराज। जहराल, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ,
कल ही चार्ल्स मेरी बेटी से मिलने आए थे और उन्होंने मेरी बेटी के सामने ये प्रस्ताव रखा। मेरी बेटी ने हाँ कह दिया है महाराज। अरे राजकुमार चार्ल्स, हम अभी मेरी बेटी से आपके विवाह के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी जगह पे होता तो शांत होता। मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ बात करनी है, समझे? चलिए राजकुमार, हमें आपके माता पिता को कुछ वक्त देना चाहिए। मैं तो अब अपने पोते पोतियों को देखना चाहता हूँ बस। पहले उसकी शादी तो होने दीजिए। सही कहा। आप भी ना। ये सब क्या चल रहा है जरैल? आपको रोमांचक चीजें बहुत पसंद है ना राजकुमार चार्ल्स, इसलिए आप चुप चुप कर महल से बाहर निकलते हैं। मुझे यकीन है कि अगर आपके माता पिता को ये पता चलेगा तो बहुत दुखी होंगे। हाँ राजकुमार, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तो बस आपको बचाना चाहता हूँ राजकुमार। अगर आपके माता पिता को आपकी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे और आप इस महल के चार दीवार में कैद होकर रह जाएंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी शादी के बदले अपनी चुप्पी का सौदा कर रहा हूँ, समझे? मैं उससे शादी नहीं करूँगा। चलो भी, इतना जिद्दी होना अच्छा नहीं है। ना बोलने का नतीजा तो जानते हो ना तुम। मैं जानता हूँ महल के बाहर जाना तुम्हें कितना पसंद है। तो राजकुमार, तुमने क्या सोचा है? ठीक है, मैं जानता था तुम मना नहीं कर पाओगे। अब मुझे जाकर घोषणा की तैयारी करनी है। तैयार होगी क्या? नहीं अभी नहीं। मैं तैयार हो गई। वाह, कितनी सुंदर हो तुम। सच में? ये ड्रेस तुम पे बहुत जम रही है, सचमुच बहुत सुंदर है। शुक्रिया, तुम बहुत प्यारे हो। अब बस हमें महल में जाना है। फिर तुम राजकुमार चार्ल्स के साथ नाचोगी। मैंने कहा नहीं, माफ कीजिएगा मोहतरमा, बिना निमंत्रण के मैं अंदर जाने नहीं दे सकता। जाने दीजिए। कहा ना नहीं, वापस जाओ। इतनी दूर आने के बाद मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो, हमें ये सब जल्दी पहुँचाना है। खाने का वक्त हो गया है बावर्ची साहब, कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जाओ। ओ हाँ, इतनी देर? अरे माफ कीजिएगा, दरअसल कुछ गड़बड़ी हो गई थी रास्ते में। इससे पहले कोई देखे, चलो यहाँ से निकलते हैं। ओह, हम अंदर पहुँच ही गए। ओह, पैच। सिंड्रेला। ओह। जल्दी करो दोस्तों, अंदर जाने के लिए हमें भीड़ में घुसना पड़ेगा, समझे? आज शाम के इस शानदार जश्न में आप सभी का स्वागत है। राजकुमार चार्ल्स कुछ ही वक्त में हमारे साथ होंगे। आप सभी जानते होंगे कि आप सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि आप में से किसी एक को राजकुमार जी चुनने वाले हैं, लेकिन हमने कुछ बदलाव किए हैं जो आपको जल्दी पता चल जाएगा। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने क्या बदला होगा चेन। अरे उन्होंने तुम्हारी जगह मुझे चुना होगा और सबको बताएंगे कि मैं ही उनकी राजकुमारी हूँ। तुम्हें जलन हो रही है ना? नहीं, तुम्हें हो रही है जलन। चार्ल्स, तुम समझते क्यों नहीं, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। ये बगीचे कितने बड़े हैं, अब कहाँ जाएं हम? तुम ऐसा नहीं कर सकते चार्ल्स। सुनो दोस्तों, जल्दी से छुप जाओ। क्योंकि अगर तुम वहाँ नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ, तुम इसमें पड़े ही क्यों? तुम्हें इसाबेल से शादी करने के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। हाँ?
अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारे ना चाहने से कुछ नहीं होगा। राजकुमार ऐसा नहीं चाहते, आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंड्रेला, बिना प्यार के शादी बिल्कुल वैसी है जैसे धूप के बिना गर्मी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह माफ कीजिएगा राजकुमार, मेरा मतलब वो नहीं था। बिना प्यार के शादी बिना धूप की गर्मियों जैसी होती है। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, पर अगली बार से ध्यान रखना, समझी? क्या तुम ठीक हो? क्या गड़बड़ है? हाँ यकीन नहीं आता कि वो इतने परेशान हैं। मुझे ये सपने आ रहे हैं या फिर राजकुमार सच में जाना पहचाना था? सही कहा, ये सुगंध किसी की याद दिला रही है। हमको इनकी मदद करनी होगी, जिससे वो प्यार नहीं करते उससे शादी नहीं कर सकते। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? पर कुछ तो सोचना होगा। मैं समझ गई। देखते हैं सिंड्रेला के मन में क्या चल रहा है। सिंड्रेला सही है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मुझे प्यार है, और इजाबेल को कोई प्यार करने वाला मिलना चाहिए। मैं इस तरह से पिताजी के दबाव में नहीं आऊंगा। मैं उन्हें कुछ नहीं बोलने दूंगा, भले ही इससे मेरी अपनी आजादी छिन जाए। ये मेरा आखिरी फैसला है। कैसे हो दोस्तों? आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। सिंड्रेला, अभी ही मौका है, वो आप सबको बताने वाला है। हमें कुछ करना होगा। आप सब ने धीरज रखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत ही जरूरी घोषणा करने ही वाला हूँ। इजाबेल यहाँ आओ। जी पिताजी। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी होगी कि अरे ये क्या हो रहा है, चुप रहो सब। और जैसा कि मैं कह रहा था, मैं एक बहुत ही जरूरी घोषणा करने वाला हूं। ए घंटे को बजाना बंद करो अभी। मुझे रोकने की हिम्मत किसने की? ठीक है पैच, तैयार हो ना, अब तेजी से भाग कर जाना। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सिंड्रेला? तो मैं बहुत ही खुशी के साथ ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी इजा। शेर, मैंने शेर को देखा, यहाँ आसपास शेर है, भागो यहाँ से। हे रुकिए, इधर उधर भागिए मत, मुझे एक बहुत जरूरी घोषणा करनी है। कोई नहीं सुन रहा। सुनना होगा। अरे ये शेर कैसे अंदर आ गया? सिंड्रेला के दिमाग में क्या था अब समझी, लेकिन पैच को मदद की जरूरत है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता, पर मैं राजकुमार से मिलने का मौका नहीं गवा सकती। मेरे बिना राजकुमार से मिलोगी? पैच, मुझे पता है ये पैच की आवाज है। इस सब के पीछे जरूर सिंड्रेला है। आप ठीक है राजकुमार? हाँ, कितने शर्म की बात है हम डांस नहीं कर पाए। मदद, मदद करो सैनिकों, क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये शर्म मुझे लगता है इतना काफी होगा। मदद करो, बचाओ मुझे। और इस तरह से जश्न खत्म हो गया। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर मुझे लग रहा है कि आप मुझे माफ कर देंगे चार्ल्स। मुझे पता है कि मैंने आपको दुखी होने से बचा लिया।